बच्चों अक्सर साल भर हम लोग कई ना कई टाइप की अचारें बनाते रहते हैं, और तो और ये टाइम अचारों का मेन होता है। इस समय कच्चे आम देखकर अचार बनाए बिना मन ही नहीं मानता, लेकिन आजकल आप सभी जानते हो महंगाई का जमाना है, अचार बना भी ली सस्ती तो पड़ती नहीं है, और जब वो खराब हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो आपका अचार खराब ना हो तो आज आपके लिए 5-7 ऐसे कुछ ट्रिक्स लाई हूँ जिसको यदि फॉलो करोगे तो आपकी अचार कभी फंगस नहीं लगेगी, आपकी अचार कभी भी खराब नहीं होगी। तो ये ट्रिक अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से समझा तो फिर आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। कई बार तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, बहुत लोग ऐसे हैं वो यही कहते हैं हमारे हाथ से अचार खराब होती है। भाई हाथ थोड़ी खराब होते हैं, तरीका गलत होता है। हाथ कभी भी किसी का खराब नहीं होता, हाथ तो ईश्वर ने हमें बहुत अच्छे कामों के लिए दिया है, तो हम उसे खराब क्यों समझते हैं। हमारे हाथों में कोई कमी नहीं है, कमी है हमारी ट्रिक में। और बच्चा लो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। पहली ट्रिक ये रहेगी कि आप जो अचार डालकर तैयार करते हो तो आप प्लास्टिक की बोतल लेते हो, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई भी बर्नी या भी बोतल जो भी आप ले रहे हो कोशिश कीजिए कांच वाली लीजिए या चीनी मिट्टी की लीजिए। चीनी मिट्टी की लेंगे या कांच की लेंगे तो 50% तो वहीं आपकी अचार बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। प्लास्टिक की बोतल में अचार अक्सर खराब हो जाती हैं, और प्लास्टिक कैसा भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक तो समझनी पड़ेगी। मदर्स डे आ रहा है इस हफ्ते, क्या करने का प्लान है? मैं तो बोलती हूँ एक मस्त वाली चम्पी कर दो, मम्मी तो खुश, मम्मी के बाल और भी खुश। इसलिए चम्पी ऑयल का प्राइस भी 399 कर दिया है अगले 7 दिन के लिए, फटाफट ले लो mykkstore.com से। दूसरी ट्रिक है ये है कि सही तरीका है कि उसकी अचार की जो बोतल है उसे स्टरलाइज किया जाए। अब कई बार लोग स्टरलाइज करते हैं लेकिन अंदर नमी बनी रहती है, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक है कि आप उसे धूप दिखाएं, कम से कम कांच की बर्नी को 2 घंटा धूप में रख दें, उसके बाद ही उसमें अचार डालने की कोशिश करें। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो धूप आती ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको ये ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए, एक तवा लीजिए, प्याज या लहसुन के छिलकों को जला लीजिए। जला के आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इन छिलकों को आप जार के अंदर रख दीजिए, थोड़ी देर लेट लगा लीजिए, और उसके बाद जो उसमें बैक्टीरिया फ्री ये बॉटल हो जाएगी तो उससे आपकी अचार कभी भी इस बर्नी के अंदर खराब नहीं होगी। चैनल पर अगर बच्चों नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना, इसमें कंजूसी क्यों। दूसरी ट्रिक ये हो सकती है कि जैसे ही आपने प्याज के लहसुन के ये जो भी आपने गरम किए ना उसमें थोड़ा सा हींग डालकर और इसके ऊपर जार रख देंगे, उससे भी जो धुआं भर जाएगा ना तो आपकी जो बर्नी है बिल्कुल साफ हो जाएगी, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी, आप उसमें आराम से अचार रख सकते हैं। अब बारी आती है तीसरी ट्रिक की कि बोतल में पहले से ही थोड़ा सा ऑयल की लेयर भी लगा सकते हो। ये तरीका भी अच्छा है क्योंकि कई लोगों के यहाँ प्याज लहसुन के छिलके होते ही नहीं है, मतलब प्याज लहसुन आता ही नहीं है, तो बोतल को सही ढंग से साफ कर लीजिए, धूप दिखाया नहीं सकते तो उसको कपड़े से पोंछ लीजिए और चारों तरफ एक लेयर एक कोटिंग कर दीजिए ऑयल की, उसके बाद ही आप उसमें डालिए अचार। एक और ट्रिक है कि हमने सारे प्रिकॉशन लिए लेकिन शुरू में तो ठीक थी अचार, बाद में खराब हो गई। उसका कारण है जल्दबाजी में आपकी मेड ने या आपके बच्चों ने गीला चम्मच लेके जार के अंदर डाल दिया, तो ऐसी गलती कभी ना करें। आप क्या करें, जो बड़ा सा जार है जैसे 5 किलो अचार आपने डाल के रखा है तो एक छोटे से जार में अलग भी अचार रखा के रहें, जिससे क्या हो वो डाइनिंग पर रखें वो ख़त्म हो जाए फिर दूसरे निकालें। इससे एक साल नहीं सालों साल आपकी अचार सही रहेगी, और जब तक अचार रहेगी वो उसका एंजॉय आप करते ही रहेंगे। पांचवी ट्रिक ये है बच्चों, अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखें नॉर्मल से, जिससे आपकी अचार सही रहे। नमक जो होता है हमारी अचार को प्रिजर्वेटिव करने में मदद करता है। उसके बाद मैं एक और ट्रिक आपको देती हूँ कि अक्सर बहुत सारे जैसे आम के अचार वगैरह होते हैं उसमें हम नमक डालकर
कर रख देते हैं उसका पानी फेंकें कभी ना, उसी पानी में आप अचार मसालों के साथ डालें। ये तरीके आपको जो भी देखने हैं मसाला किचन पे आप जाकर देख सकते हैं। कई टाइप की अचारें मैंने दी हैं, उन सब की लिंक मैंने आपको दे दूंगी। और वो मसाले जो होते हैं उस नमक वाले पानी में फूल भी जाते हैं, और तो और वो नमक का पानी हमारी अचार को खराब होने से बचाता है, कभी भी खराब होने नहीं देता है। चलते हैं एक और ट्रिक देखने। बच्चों, अचार में हींग की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रखनी चाहिए जिससे उसमें कभी भी फंगस ना लगे। चलिए बच्चों, एक और ट्रिक है जो कि आपको पता ही है कि अगर आप ऑयल ज्यादा पसंद नहीं करते, ऑयल तो एक सब्स्टिट्यूट है ही, ऑयल अगर ऊपर तक रहेगा तो अचार खराब होगी ही नहीं, वो तो एक तरीका है। अगर आप किसी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, थोड़ा सा ऑयल पसंद करते हो, तो 2 चम्मच भर के आप विनेगर, जिसको वाइट सिरका कहते हैं, वो आप डाल दीजिए। और हाँ बच्चों, मार्केट की जो बिना तेल वाली अचारें हम लोग देखते हैं, हम ये सोचते हैं ये अचारों को कैसे बचाते हैं, तो वो लोग अचारों में या तो साइट्रिक एसिड डालते हैं, या तो फिटकरी डालते हैं, या फिर इसमें सोडियम बेंजोइट डालते हैं। हम यदि इस तरीके की प्रिकॉशन लें तो हमारी अचार बच सकती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बड़े जार में आप रखिए, छोटे मुंह की बोतल में रखिए, जिसमें थोड़ा सा भी तेल डाल देंगे ऊपर ऊपर से तो आपका काम चल जाएगा। जो रोज आपको अचार चाहिए, जिसमें रोज आप चम्मच डालते हो, वो छोटे जार में अचार रख दीजिए। इन सारे ट्रिक्स मैंने आपको बताए, इन सारे ट्रिक्स में आपको सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा अच्छा लगा? ये वहम बिल्कुल मन से निकाल लीजिए कि हमारे हाथ से अचार खराब होता है। आपका हाथ खराब नहीं है, कुछ कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से हमसे अचार खराब हो जाती है। और कई मेरे व्यूअर्स ये भी कहते हैं, जीरा डाला तो इसलिए अचार खराब हो गई, धनिया डाला इसकी वजह से अचार खराब हो गई। नो, इसकी वजह से अचार खराब नहीं होती, ये हमारे मसाले हैं, इन मसालों से तो हमारी अचार टेस्टी बनती है।